प्रोफाइल लव स्टोरी का दर्दनाक अंत। पति ने वाराणसी में तो पत्नी ने गोरखपुर में क्यों की खुदकुशी। बेरोजगारी ने ली जान, ये पारिवारिक कलह से थे परेशान। दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे। उन्होंने ये बताया भी कि मैं सकुशल पटना पहुंच चुका हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। पटना के रहने वाला हरीश बगेश और गोरखपुर की रहने वाली संचिता श्रीवास्तव एक ही स्कूल में पढ़े थे। दोनों की मुलाकात का सिलसिला कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने के लिए प्रेम विवाह किया, साथ जीने और मरने की कस्में खाई। और फिर इस प्रेम कहानी का अंत ऐसा होगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लड़के ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी और जब ये खबर गोरखपुर में लड़के की पत्नी को मिली तो उसने छत से कूद कर जान दे दी। सुसाइड करने वाले पति पत्नी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी। कपल की आत्महत्या के बाद से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। हरीश और संचिता एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, बाद में पढ़ाई और जॉब के लिए अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन प्यार बरकरार रहा। दोनों ने प्यार को शादी के अंजाम तक लाने में कामयाबी भी पाई। शादी के करीब 2 साल बाद आज दोनों ही दुनिया में नहीं है। पति ने घर से वाराणसी जाकर एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। दूसरी तरफ यह घटना सुनने के बाद घर पर पत्नी ने भी छत से कूद कर जान दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाराणसी के एक ही स्कूल से पढ़ाई करने वाले हरीश बगेश और संचिता शरण में 11वीं क्लास से ही प्रेम था। हरीश जहां बिहार के पटना का निवासी था तो वहीं संचिता गोरखपुर की। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। हैरान कर देने वाली घटना सुनने के बाद से हर कोई शॉक्ड में है। वहीं दोनों परिवार में मातम छाया हुआ है। हालांकि शादी को लेकर दोनों परिवारों में रजामंदी नहीं थी। शादी के बाद से ही कपल मुंबई में रहकर नौकरी करता था, लेकिन संचिता की तबियत खराब होने के बाद उसके पिता उसे लेकर गोरखपुर आ गए थे जहां उसका इलाज चल रहा था। हरीश भी मुंबई में बैंक की नौकरी छोड़कर गोरखपुर आ गया था। 2 दिनों पहले ही हरीश गोरखपुर से पटना जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह वाराणसी आ गया था। यहाँ वह सारनाथ क्षेत्र की अटल नगर कॉलोनी में एक होम स्टे में रुका हुआ था। हरीश के बारे में पता नहीं चलने पर कुछ रिश्तेदार उसे खोजते हुए होटल पहुंचे। फोन नहीं उठाने और कमरा नहीं खोलने पर शक हुआ तो खिड़की से देखने पर पंखे से लटकी बॉडी नजर आई। हरीश को फंदे से लटका देखकर रिश्तेदारों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। हरीश को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जब यह बात गोरखपुर में अपने पिता रामशरण श्रीवास्तव के यहाँ रह रही संचिता को पता चली तो उसने बिना देर किए छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सारनाथ थाना इंचार्ज के मुताबिक आधार कार्ड के जरिए हरीश की पहचान पुख्ता हो गई। उसके पिता का नाम रामास्वामी मालवीय है। पुलिस ने हरीश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि नौकरी चली जाने के बाद हरीश आवादग्रस्त रहने लगा था और वह नशे का आदी भी हो चुका था। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।